हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपना रिव्यू करने वाला हूँ अबाउट नेटफ्लिक्स मूवी कॉल्ड लव एंड मॉन्स्टर्स। तो ये मूवी जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते इसका IMDb रेटिंग का। तो इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दिया है। अगर टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो ये मूवी का टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 49 मिनट्स। एंड अगर साइज स्टोरेज साइज का बात करें तो इस मूवी को अगर आप नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है एक 341 MB का साइज जो है मेमोरी आपको मतलब अवेलेबल होना चाहिए। और अगर एज लिमिट का बात करें तो ये 13+ मूवी है, सो लाइक एनीवन कैन वॉच इट, इट्स लाइक अ फैमिली मूवी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मूवी किस चीज़ पर आधारित है, क्यों आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि ये एक फैंटेसी मूवी है, साईफाई आप कह सकते हैं मूवी है, साइंस फिक्शन है इसमें। तो इसमें हालांकि एनिमेशंस एंड जो आपका जो है विजुअलाइजेशन दिखाया गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, कहीं पे भी आपको लैगिंग या लेम एनिमेशन नहीं आपको फील होगा, एकदम फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस चीज़ मतलब इस मूवी को बनाया गया है। तो मूवी एक्चुअली क्या है कि इसमें दिखाया जाता है कि अचानक क्या होता है कि बहुत सारा मीटियर्स आउटर स्पेस से अर्थ के तरफ आता है, पृथ्वी को हिट करने का कोशिश करता है। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट हर कंट्री क्या करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है वो मीटियर्स के आउटर स्पेस पे, सो दैट दे कैन नॉट रीच द अर्थ। बट ये सब करते हुए क्या होता है कि कुछ मीटियर तो आ ही जाता है एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक न्यूक्लियर अटैक ऑन दिस एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो न्यूक्लियर अटैक के बाद एक न्यूक्लियर रेडिएशन के तहत क्या होता है कि एक साइड इफेक्ट होता है। और साइड इफेक्ट किस तरीके का होता है कि अर्थ में जो अलग अलग क्रीचर्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है या फिर बर्ड्स है, जैसे कि आप समझ लीजिए एक फ्रॉग, मेंढक या फिर एक डॉग या फिर एक बर्ड या फिर एक छोटा सा चींटी, एंट या फिर एक बी है ना, तो इस तरीके का अलग अलग जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिश से लेके एनिमल से लेके बर्ड से लेके रेप्टाइल से लेके हर चीज़, तो सबको जो है इफेक्ट करता है। इफेक्ट इस तरीके से करता है कि उनका जो है जो जीन है, जो DNA सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो DNA ऑल्टरनेशन होने के बाद मतलब बात क्या होता है कि वो लोग जो है छोटा सा एक एंट बहुत बड़ा सा रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा साइज का हो जाता है। एंड फिर आपका जितना भी इस तरीके का एनिमल्स है वैसे हो जाता है। एंड दे गेट मोर पावर्स, दे बिकम मोर लाइक एग्रेसिव है ना। तो ये सब क्रीचर्स जब इस तरीके का एक्स्ट्रा पावर उन लोग को मिल जाता है, साइज में भी बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, इंटेलिजेंस बढ़ जाता है ना, तो सब लोग जो है ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देता है। तो ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन गेट्स वाइप्ड आउट, मैक्सिमम लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। एंड कुछ लोग जो है अंडरग्राउंड सेफ बंकर में छिप जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर मतलब जब ये सब वॉरफेयर चल रहा था तो वो रेडिएशन से ह्यूमन बींग्स ह्यूमन लाइफ इफेक्टेड ना हो, इसलिए कुछ सेफ बंकर बनाए गए थे। तो वो बंकर्स में जो लोग रह गए वो लोग सेफ रह गए। अब इसके आगे क्या दिखाता है कि काफ़ी साल इस तरीके से बीत जाता है एंड हम लोग का जो मेन हीरो रहता है वो इसी तरीके का एक बंकर में मतलब रहते हैं एंड ही इज़ ऑल अलोन विद सम अदर पीपल। तो वहाँ पे वो लोग जैसे एक फैमिली की तरह कॉलोनी के तला रहते हैं एंड बाहर जाके अपना खाना वाना लेके आते हैं, पकाते रहते हैं, बट मतलब अंडरग्राउंड ही उनका लाइफ रहता है, कभी भी हिम्मत करके बाहर कोई निकल नहीं पाता बिकॉज बाहर कांस्टेंट डेंजर है कि अटैक हो उन पे इस तरीके का बड़ा बड़ा क्रीचर से। बट फिर क्या होता है, हम लोग का जो हीरो रहता है उनको दिखाया जाता है कि ही इज़ लाइक रियली स्केयर्ड गाय, सिंपल गाय, बट ही रिमेंबर्स ही लाइक एट सर्टेन पॉइंट वो ही फील्स अलोन, लाइक उनका पेरेंट्स भी नहीं रहते उनके साथ, सो ही फील्स अलोन एंड देन ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड लव। तो उनको लगता है कि यू नो लाइक इफ ही गोज आउट एंड अगर अपने से खुद से ढूंढना शुरू करे तो कहीं ना कहीं कोई और जगह पे कहीं दूर उनको जो है अपना चाइल्डहुड क्रश, अपना चाइल्डहुड लव जो है वो उस लड़की से मिल पाएंगे। तो अचानक जो है फिर वो निकल जाते हैं एंड सब उनको मना करते हैं, फिर भी ही गोज आउट एंड ऑन द वे उनको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ता है, किस तरीके का डेंजर फेस करना पड़ता है, किस तरीके का एडवेंचर रहता है, ये जर्नी किस तरीके का रहता है। एंड लास्ट में जब पहुंचते हैं तब उनको वो पर्सन, वो लड़की मतलब मिल पाता है कि नहीं, या फिर वहाँ पे क्या फिर ट्विस्ट होता है या फिर किस तरीके का डेंजर होता है,
तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस आप कह सकते हैं कि है ये ओवरऑल मूवी। एंड इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया है, एंड जो लोग को ट्रू इवेंट वाला मूवी देखना पसंद है या सिंपल एक्शन देखना पसंद है शायद वो लोग को पसंद ना आए, बट जो लोग को साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है जैसे कि स्टार वॉर्स हो गया, मार्वल हो गया, आपका जो है हैरी पॉटर भी आप कह सकते हैं, फिर आपका एवेंजर्स है ना, तो इस तरीके का जो लोग को मूवी पसंद है साइफाई मूवी स्पेशली किड्स वुड लव इट, एंड ऐसे ग्रोन अप्स टीनेजर्स भी जिनको पसंद है साइंस फिक्शन वाला मूवी उन लोग को बिल्कुल देखना चाहिए। मूवी का स्टोरी लाइन अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है, VFX ग्रीन इफेक्ट अच्छा है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, तो मूवी को जो है इट्स लाइक डिलाइट फॉर योर आईज एंड यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। अगर आप जज करना शुरू करेंगे देन लाइक यू वोंट फाइंड एनी लॉजिक टू इट बिकॉज इट इज़ अ फैंटेसी मूवी। सो अगर आपको इस तरीके का साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो आपको बिल्कुल ये मूवी देखना चाहिए, यू वोंट बी बोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इसका जो रेटिंग है 7 out of 10 विच आई थिंक इज लाइक प्रॉपर लाइक जस्टिफाइड एंड इट्स लाइक ऑल राइट। सो ये मूवी आप देख सकते हैं, मैंने देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आप लोग को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, बट अगर आप लोग को रियलिस्टिक मूवी ज़्यादा पसंद है तब ये मूवी आप लोग के लिए नहीं बना हुआ है। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू। एंड एक और बात मैं बता दूँ बिफोर आई फॉरगेट इट कि इसका ऑडियो जो है आपको इंग्लिश में अवेलेबल है एंड सबटाइटल्स भी जो है इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, तो लाइक यू कैन प्रॉपरली वॉच इट एंड एन्जॉय इट। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होपफुली यू गाइस लाइक इट। एंड मेरा नेटफ्लिक्स रिव्यू होल का एक प्ले लिस्ट है जिसमें जो है इसी तरीके का अलग अलग वीडियोज़ एंड मूवीज़ पे मैंने अपना मतलब रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू दिया हुआ है। एंड बेसिकली क्या है कि ये मेरा चैनल तो थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, मतलब ब्लॉगिंग चैनल ही है, बट सिंस मैं खुद पर्सनली नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट मेक लाइक अ प्रॉपर रिव्यू आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको इसमें मेरा प्ले लिस्ट में बहुत सारा मूवीज़ एंड वेब सीरीज मिलेगा जो कि शायद आपको रिकमेंडेशन कहीं से ना मिले, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू नो लॉकडाउन का टाइम में हम लोग सब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम इस तरीके का OTT प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे टू यू नो लाइक कोप अप विद द टाइम। तो आप चेकआउट कीजिए वो प्लेलिस्ट को, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए, मुझे उससे जो है मोटिवेशन मिलेगा। एंड इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए सो दैट आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। सो कुछ भी आपका अगर सजेशन रहा, कुछ भी कमेंट रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।